बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। रमज़ान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे दुबई में। जी, आई कैन क्लेम यू दिस। घूम के आया हूँ, मैंने उसमें डिफरेंस देखा और मैंने लाइव देखा है। वो क्या है कि पाकिस्तानी को वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई गरीब है, और इंडियन को ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं कि जैसे वो कोई किसी यूरोप कंट्री से आए हुए हैं। नहीं, बहुत सेम बिजनेस है पाकिस्तान, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो इंडिया की ही हैं, कि ये जो हमारे लोग भी जाते हैं ना, ये भी उन्हीं के पास काम करते हैं। इतनी इतनी मल्टीनेशनल मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, उनके ऊपर होल्ड ही उनके। भाई मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बेसिकली आज का मेरा बात करने का आपसे पर्पस ये कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, एक साल के अंदर वो $88 बिलियन को टच करने वाली है। अगर मैं बात करूँ यूएई की, तो यूएई अगर आप देखोगे तो हर एक तरीके से इंडिया के साथ ऐसे है कि जैसे कि ये मेरे हाथ देखें इस तरह से क्लोज है। क्या वजूहत है कि वहां पर पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है? अगर पाकिस्तानी को यूएई आना चाहता है तो उसके अकाउंट में 5,000 दिरहम होने चाहिए, जबकि अगर मैं बात करूँ तो यूएई की मैं बात करूँ तो उन्होंने इंडिया के अंदर $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है एयरटेल कंपनी के अंदर। क्या वजूहत है कि इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों मिल रही है हर एक कंट्री की तरफ से? सर, इसकी बेसिक वजूहत ये कह सकते हैं हम कि जो हमारे मुल्क इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत लिमिटेड है, और जो हमारी सिक्योरिटी कंडीशंस हैं हमारी, जो रिसेंटली हमारे पास अफगान इशू हो गया, अभी अगर देखेंगे आप सवाद में मिलिटेंसी स्टार्ट हो रही है, तो पाकिस्तान में जो भी कंट्रीज हैं जो नहीं आते, चाइनीज यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी सीपेक में अभी फेज 2 स्टार्ट होने वाला है उसका, तो उसके अंदर भी अभी देखें तो वो कतरा रहे उस चीज से। चाइना कराची में देखें आप उनपे, अभी ग्वादर पे 28 से 30 दिन हो गए हैं, तो वहां पर एक जो है ना वो धरना चल रहा है कि हमें हक दो तहरीक चल रही है वहां पर। तो ये चीजें जो है ना उसके अंदर एक डिस्ट्रस्ट पैदा करती हैं कि यार यहाँ पर बलोचिस्तान का इशू है, हमारे पास इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहाँ पर, गिलगित, लेकिन वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इंडिया क्लेम करता है, एक इंटरनेशनल वहां पर वो चीज आ जाती है। दूसरा, ये जो कंट्रीज हैं वो इंडिया की तरफ क्यों जाते हैं? सिटीज बहुत ज्यादा देता है उनको, वहां पर जगह देता है, वो वहां पर जाके काम करते हैं। दूसरा ये कि कुछ ही सालों में, 5 या 8-10 सालों में, जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना वो दुनिया की फर्स्ट पॉपुलेशन होने जा रही है। रुपी दिरहम में ट्रेड होने जा रही है सऊदी अरेबिया, सॉरी यूएई और इंडिया के दरमियान $88 बिलियन की, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। रमजान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे दुबई में। जी, आई कैन क्लेम यू दिस। 3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। अब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे एज ए टूरिस्ट, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट? आप वहां से लोकली बैठ के उसी मुल्क से पैसा नहीं कमा सकते एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव ए बिजनेस वीजा, करेक्ट? आप विजिट वीजा पर उधर जाते हैं, वहां पर जाके आप भीख मांगते हैं, एक पूरी गैंग जाती है 60 लोगों की, और वो 14 मिलियन दिरहम्स ट्रांसफर करते हैं पाकिस्तान में। अब एक विजिटर 14 मिलियन दिरहम विजिट वीजा पर जाकर पाकिस्तान में ट्रांसफर कर रहा है, तो जाहिर है फिशी होंगे वो। अब इन्होंने ये किया था रेमिटेंस के थ्रू ना, अंसारी एक्सचेंज वगैरह के थ्रू, तो वो जब इन्होंने ये काम किया तो उनकी पुलिस बड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि रिसेंटली इट्स बीन लाइक 3 मंथ्स और सो, इनकी वीज़ा पॉलिसीज A to Z, एक आधी नहीं या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, A to Z सारी चेंज हो गई। उसकी वजह वो जब ये हरकत हुई तो पुलिस ने नोटिस किया और ये बात कर दी पार्लियामेंट तक गई। पाकिस्तान वाला तो निज़ाम है ही नहीं कि बात उधर ही दब जाएगी।